हम्टी, ये अपनी दादी को बोलता है हम्टी। दीपू ने सिखा रखा, दीपू बोलती है ना हम्टी बोल हम्टी दादी को, तो ये दादी को हम्टी बोल दो। हेलो हैंडशेक। अब इसका एक गोल बना लेंगे, ब्लैक ब्लैक, तो उसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। बाय बाय टिक्की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स सास खाना खा रही है, बहु व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्ट अभी से करते हैं, अभी दिन का खाना चल रहा है। छुप रहा है ये, हम्टी को देख के छुपता है, हम्टी डम्टी देख रहे ना, इसमें हम्टी आ रहा है मोटू पतलू में। तो सारे खा रहे खाना है यहाँ पे दिन का। आज बनाए कड़ी चावल, ये शंभू का खाना है। हम्टी कौन है हम्टी? हम्टी ये अपनी दादी को बोलता है हम्टी। दीपू ने सिखा रखा, दीपू बोलती है ना हम्टी बोल। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है रमी 334। बहुत ही बढ़िया गेम है, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और आप इसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। आप इसे अपने दोस्तों को रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हो, यानी चारों तरफ से आप अर्निंग ही अर्निंग कर सकते हो। तो आज मैं आपको इसे खेल के बताती हूँ कि इसे कैसे खेलते हैं। मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यस, आप लोग विन करने वाले हो। मैं आपको बता दूं, ये काफी ज्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है क्योंकि गाइस आपको इंस्टेंट के इंस्टेंट एक सेकंड के अंदर विड्रॉल दे देता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आप काफी ज्यादा अच्छी अर्निंग करने वाले हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे चैनल पर डेली गिवअवे होते रहते हैं जहाँ पर मैं 5-5, 10-10, 20-20 रुपए फ्री पेटीएम कैशबैक देती रहती हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। सिंपल सा कमेंट बॉक्स में आने के बाद अपने पेटीएम नंबर को कर देना है टैग, जिससे मैं आपको गिवअवे कर सकूं सेंड। तो चलिए गाइज, आज की इंटरेस्टिंग वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप आसान तरीके से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है विंजो, जिसको आप आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जब क्लिक करेंगे तो सिंपल सा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ काफी ज्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन हो सकता है गाइस, ये पूरा का पूरा अर्निंग ऐप हो जाता है गाइस। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन, भाषा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं कंट्री विद इंग्लिश बटन को क्लिक कर रही हूँ। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो गाइस, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद जब आप दोस्तों इस पर साइन अप होते ही आपको मिलेगा रिवॉर्ड और कुछ ना कुछ मिलने की गारंटी। तो गाइज, आप लोगों को गेम खेलने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पर मिलेगा स्पिन व्हील, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इस पर मेरी स्पिन व्हील हो गई है स्टार्ट। यहाँ पर मैं कुछ देर वेट करती हूँ, यहाँ पर मेरा स्पिन व्हील हो गया है स्टॉप। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर अभी मैं 2 रुपए आपके सामने दिखाती हूँ। ये कितना इजी गेम है और मैंने किस तरह अपनी अर्निंग की। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जल्दी जल्दी डाउनलोड करो। हम्टी दादी को, तो ये दादी को हम्टी बोलता है, बहुत बार बोलता है, ज्यादातर नहीं बोलता बट जब याद आता तब। मैं सबों को खाना खिला देती हूँ, मैं नहीं खा रही क्योंकि मेरा फास्ट है। अभी सबका खाना चल रहा है, इसको खिला देती हूँ खाना, फिर इसको सुलाएंगे। यहाँ पे सबों का खाना हो गया फिनिश, बोला फिनिश हो गया मेरा खाना। लो कुल्ला करके आओ, लो देखना कुल्ला करने जा रहा है, कहाँ कुल्ला करने जा रहा है। आजकल सीख रखा है कुल्ला करना। गुड बॉय, ओके ओके, तो कर दो। ओके, हाय बॉय। हेलो, हैंडशेक। हेलो, दीपू आ गई है स्कूल से। तो अभी खाना पीना हो गया है, समो का डन। तो अब उसको आ रही है नींद, मैं इसको सुलाती हूँ। बाय बोलो, बाय बोलो, बाय तो बोल दो, फिर अंदर चलेंगे, पहले बाय बोलो।
नौटंकी कर रहा है। अब इसे सुलाती हूँ, इसको आ रही है नींद, चलते हैं सुलाते हैं, क्योंकि अब दीपू आ गई स्कूल से, दीपू खाना खाएगी, बाकी हमने खाना खा लिया है। आपसे सीधा शाम को। तो अभी हो गई है शाम, फाइनली उठ गए हम, शंभू भी उठ गया है यहाँ पे, मम्मी भी उठ गई है, तो अभी पापा आने वाले हैं बस ड्यूटी से, अब चाय बनाते हैं दिन की। शंभू शंभू हाय गाइस, हाय तो बोलो, पहले हाय बोलो, पहले बोलो हाय गाइस, डैडी को उठा दो, चलो बन रही है चाय। तो इतनी सारी इलायची नहीं डाली मैंने, तो ये खाली थे अंदर, इनके दाना वगैरह कुछ नहीं था, तो दो ही डाली मैंने वैसे। तो यहाँ पे चाय बन रही है, क्योंकि ना वो शीशी में पड़े हुए थे, तो मैंने बोला उसे फेंक दी, से अच्छा चाय में डाल देती, थोड़ा उसकी तो खुशबू आएगी। तो मैंने चाय, क्योंकि पापा आ गए हैं ड्यूटी से, शंभू खेल रहा है दादी के साथ, यानी टीवी देख रहा है। आलू और साबूदाना की रेसिपी बनाने वाली है कुछ अभी मेरे लिए स्पेशल, देखते हैं क्या बनाती है मम्मी। चाय और हमने शाम की चाय पी ली है, तो अभी इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है आज कल, तो खाना जल्दी बन जाता है, तो खाना बनाना पड़ता है जल्दी जल्दी। तो अभी आज मैं कुछ अलग बनाने वाली हूँ, लौकी का बनाने वाली हूँ, फ्राई लौकी बनाने वाली हूँ मैं। तो चलते हैं, देखते हैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करते हैं, होप सो आप लोगों को भी पसंद आएगा, तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है, चलते हैं बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं पीस रही हूँ टमाटर, चार टमाटर लिए मैंने, साथ में लिए मैंने दो मिर्च, तो इनको पीस लेते हैं सबसे पहले। तो अब इसको पीस लेते हैं, तो ये पीस दिए मैंने टोमेटो प्यूरी, इसके साथ हम दो मिर्च पीसी हैं। लौकी से धोते हैं सबसे पहले अच्छे से, और फिर कट करते हैं। लौकी कट करने से पहले बनाएंगे हम मसाला इसके लिए, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च, काफी तीखे मैंने हरी भी डाली है तो इसलिए मैं कम ही डालूंगी। दो चम्मच करीब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, ज्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ है नमक, नमक स्वाद अनुसार। तो इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें हींग, ज्यादा नहीं बेसन, आधा चम्मच से भी आधा चम्मच डाला है मैंने। तो अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इसमें एक इंग्रेडिएंट और डलेगा जो कि है थोड़ा सा आमचूर पाउडर। हमने टमाटर भी डाले तो कम ही डालेंगे आमचूर पाउडर को, मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह अचार भी डाल सकते हो आम का, पर हमारे घर में भी अचार अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने आमचूर पाउडर डाला है। अब इसका एक घोल बना लेंगे यहाँ पे, अब मैंने इसका घोल भी रेडी कर लिया है अच्छे से। तो यहाँ पे पहले हम लौकी छील लेंगे, तो यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से धो लिया और छील लिया है, तो अब इसे कट करते हैं। तो इस तरह से हम गोल गोल कट कर लेंगे ऐसे, तो इस तरह से गोल काटना है, लंबा नहीं काटना है घी को। तो यहाँ पे मैंने सारा घिया गोल गोल कट कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने इसे बड़ी प्लेट में भी कर लिया है, क्योंकि अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। हम इसमें डालेंगे नमक, आजकल हम सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, तो ये सेंधा नमक है, तो सेंधा नमक डालूंगी मैं इसमें। थोड़ा सा डालूंगी हल्दी, और थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि हमने लाल मिर्च ऑलरेडी मसाले में बहुत सारी डाल दी है, कश्मीरी लाल मिर्च जो कि अब ख़त्म होने वाली है, थोड़ी सी बची है बट चल जाएगी, कोई नहीं। और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स हाथों की हेल्प से, ताकि जो हमारा मसाला है वो सब लौकी में इक्वली लग जाए। ये हुआ इसका मैरिनेशन, बट इसके मैरिनेशन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक डाला है, नमक जल्दी पानी छोड़ देता है, तो इसमें रुकने की ज़रूरत नहीं, यानी मतलब 5-10 मिनट रोकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पहले मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो मसाला तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे बेसन, छिड़केंगे इस तरह से ऊपर से, ताकि सब में लग जाए। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके ऊपर
मैंने अच्छे से बेसन भी मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे शैलो फ्राई करने के लिए मैंने ली है कढ़ाई, जिसमें मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से कढ़ाई में ऐसे घुमा लेंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे तेल हो गया है गरम, तो अब इसमें डालेंगे ये जो लौकी हमने कट किया है शैलो फ्राई के लिए। तो इस तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे इनको, पहले एक तरफ से पकाएंगे हल्का फिर दूसरी तरफ से। साथ ही साथ मैंने तड़के के लिए निकाल लिया 2 तेज पत्ता, जीरा, लौंग, हरी इलायची और काली मिर्च और 1 नींबू निकाल लिया मैंने। अभी बताऊंगी नींबू कितने चाहिए। तो इनको हल्का हल्का पक, एक तरफ से फ्राई हो गए हैं तो मैंने दूसरी तरफ पलट लिए हैं। अब ये हो गए हैं शैलो फ्राई, अब इनको निकाल लेंगे प्लेट में। हो गए हैं फ्राई, तो इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पे फाइनली हो गए हैं सारे के सारे लौकी फ्राई। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा नींबू, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, इतना सही डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूंगी। ऐसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे, ऑलरेडी कढ़ाई गर्म है तो जल्दी गर्म हो जाएगा तेल, क्योंकि इसमें भी ऑयल ऑयल है तो इसीलिए थोड़ा ही डाला है। तो यहाँ पे तेल हो गया है गर्म, तो हम इसमें डालेंगे मसाले। हल्का सा तड़कने देंगे। तो यहाँ पे जीरा हो गया है ब्लैक ब्लैक, तो इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, साथ ही साथ बनाया हुआ घोल, इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। और हमारा जो टमाटर है उसे अच्छे से भुनने देंगे जब तक वो ऑयल ना छोड़ दे। मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है हमारा टमाटर, और ये जो हमने लौकी फ्राई की थी इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे लौकी के साथ ग्रेवी को, हल्के हाथों से करेंगे क्योंकि लौकी सॉफ्ट हो चुकी है तो टूट जाएगी, हलवा बन जाएगा, इसलिए सॉफ्ट हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिए ग्रेवी के साथ, थोड़ा सा इसे 2 मिनट पकने देंगे और इसमें हम डाल देंगे चॉप्ड ग्रीन धनिया पत्ती बहुत अच्छी लगती है डालने, ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है सब्जी में, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। लिड लगा के थोड़ा सा अच्छे से भुनने देंगे मसाले के साथ ग्रेवी के साथ। थोड़ा सा धनिया और डाल देती हूँ मैं, जितना है सारा डाल। तो इसको हल्का सा ढक लेंगे, 2 मिनट पकने देंगे। तो यहाँ पे साथ साथ अब मैं गूंद रही हूँ आटा, जब तक मसाला लौकी के साथ भून रहा है। के साथ में बनाएंगे गरम गरम पराठे टाइप के, मतलब तेल वाले जो पराठे होते हैं वो वाले पराठे बनाओ, तिकोने गोल जैसे भी बनाओ, इसके साथ मज़ा आने वाला खाने में। पहले मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बट मुझे देख के स्मेल से पता चल रहा है कि अच्छी बनी होगी सब्जी। मम्मी तो कच्ची खा के गई लौकी, मम्मी कह रही इसको ऐसी खा लेते, तो अभी मम्मी छत पर चली गई है, पापा भी गए हुए छत पर, तो तब तक मैं आटा गूंथ देती हूँ। बन गई फ्राई लौकी की सब्जी। नहीं चल रहा है ये, तो खराब हो गया बेटा। तो अभी सब्जी बन गई है, आटा गूंद दिया है, बस रोटियां बनानी रह गई है।
रोटी या पराठे जैसे जो भी बनेंगे, तो उससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर टाइम हो रहा है। इनकी ड्यूटी के लिए बन रहे हैं अभी, बस स्वैंगल पराठा तो ये जा रहे हैं ड्यूटी। ये लो सर चाबी। बाय बाय। मम्मी बना रही है रेसिपी साबुत दाल और आलू की टिक्की। गर्मी लग रही है तभी तो कहती मैं गर्मियों में कोई भी रेसिपी बनाना बेकार ही है, सर्दियों में बनाओ रेसिपी। तो सम्भो दादू बैठ के देख रही टीवी। बनाइए साबुदाने की टिक्की। ठीक है, अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है सच में। तो अभी मम्मी पापा गए हुए हैं बाहर, रोटी मैंने बना दी है, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे तो रोटी बना के रख दी है। मम्मी पापा आके खाएंगे। यहाँ पे मैं शंभू के लिए ले आई हूँ ये पराठा, उसके पापा के लिए बनाया था जो मम्मी ने उस वक्त एक उसके लिए बना दिया था, और साथ में सब्जी है। यहाँ पे पानी ले आई मैं, उसके लिए आओ नीचे आओ ना, आइसक्रीम खा के क्या करोगे काम। बाबा लेके आए हैं मैंगो शेक। बहुत कम मीठा करता है, बहुत अच्छा बना रखा है, होता है ना नॉर्मल मीठे में बहुत टेस्टी बना रखा है, ज़्यादा मीठा नहीं करता। खाना यहाँ पे मैं भी खा लेती हूँ टिक्की और साथ में दही उसके। रात का खाना पीना हो गया है, तो साबुदाने की जो टिक्की मम्मी ने बनाई थी उसकी रेसिपी अगर आपको जाननी हो तो पापा मम्मी के चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप वहाँ रेसिपी देख सकते हैं। अपलोड हो जाएगी जब ब्लॉग अपलोड होगा तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो आप वीडियो को एंड कर देते हैं, चलते हैं मम्मी के साथ। यहाँ पर शंभू खेल रहा है। तो गाइस ये था आज का हमारा ब्लॉग और रेसिपी, आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और नए हो उनके लिए कह रहे तो साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय गाइस, टेक केयर, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए इसकी नोटिफिकेशन बाय गाइस बोलिए, बाय गाइस करो, बाय बाय बाय।